कॉर्पोरेट स्कैन पर फोकस कर लेते हैं। पारस डिफेंस, कल स्टॉक में इंट्राडे में करीब करीब 4% तक के गेंस देखने को मिले थे। आज भी काउंटर करीब 1.5% ऊपर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। दरअसल कल दोपहर में एक अपडेट आया था कि कंपनी ने एक नई सब्सिडरी का गठन किया है, और ये सब्सिडरी एग्जैक्टली करेगी क्या, डिजाइन डेवलपमेंट वैलिडेट करेगी थर्मल प्रोडक्ट्स को, और लार्जली एविएशन डिफेंस स्पेस पर इनकी नजरें हैं प्रोडक्ट्स बनाने की। तो इसी पर और डिटेल के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर टेक्निकल अमित महाजन जुड़ गए। अमित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये काम तो आप एग्जिस्टिंग कंपनी में भी कर सकते थे ना, ये सब्सिडरी के गठन की क्या जरूरत पड़ी? गुड मॉर्निंग हर्षदा, एक तो धन्यवाद मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। आज भी अगर आप देखोगे तो पारस डिफेंस यही काम अपने कंपनी के अंदर भी कर रहा है, लेकिन जैसे आगे चलते हैं हमको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, हम लोग को लग रहा है कि थर्मल सॉल्यूशंस जो है आज के चलते, जब भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जब भी हम लोग बात करते हैं, जितना एडवांसमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उतना थर्मल प्रॉब्लम्स बिकम बिगर एंड बिगर। इसके चलते ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, जो थर्मल हीट रिमूवल टेक्नोलॉजी जो है, आप रडार से सैटेलाइट तक आप सब सिस्टम में देखो तो एक हीट जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उसको रिमूवल इज अनदर टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर, जिसके ऊपर पारस हमेशा से काम करते आ रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, इसलिए उसको ब्रांच आउट करना हम लोगों ने सही समझा। ये अपॉर्चुनिटी आगे चल के 50 to 100 crore स्टैंड अलोन बिजनेस होने की संभावना है। 50 to 100 crore आप कह रहे हैं स्टैंड अलोन बिजनेस होने की संभावना, लेकिन किस तरह के लार्जली प्रोडक्ट्स यहाँ पर डेवलप करेंगे, और क्या यहाँ पर ज्यादा स्क्यू फिर स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर रहेगा, या फिर इट्स गोइंग टू बी एन इवन प्ले ऑफ एविएशन डिफेंस और स्पेस, जो वैसे भी आपकी पेरेंट कंपनी इस समय कर रही है? So, आज की तारीख में ये हम लोग ज्यादा करके डिफेंस के लिए थर्मल सॉल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन आए दिनों में अपने को सॉल्यूशंस ऑन द एरोस्पेस साइड, जो एविएशन सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज और बढ़ने वाली हैं, वहां पे हीट प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, एंड आज भी इसको हम लोग स्पेस लेके जाने वाले हैं। जैसे ही अपने स्पेस मिशन बढ़ेंगे, वहां पे जो हीट प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पे तो अलग अलग तरह का एनवायरमेंट होता है अप इन स्पेस, तो वहां पे थर्मल रिमूवल एंड थर्मल मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी इन स्पेस सैटेलाइट्स। वी वुड वांट टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द स्पेस डोमेन, जहां पे हम लोग थर्मल सॉल्यूशंस वहां पे इंप्लीमेंट करके अपनी वैल्यू स्पेस में और ज्यादा बढ़ाएं। तो इसमें किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, या फिर इट्स गोइंग टू बी वर्क इन प्रोग्रेस? आज डिफेंस के लिए, जैसे मैंने बताया, डिफेंस के लिए आज अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, एरोस्पेस एंड स्पेस में और ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस है एंड और ज्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है, और रफली विजिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पर बिजनेस की इन द नेक्स्ट 5 years, ये थर्मल स्पेस में ही लार्जली? मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको, नेक्स्ट 5 years आई एम बीइंग कंजर्वेटिव, 100 crore+ वी शुड बी एबल टू लुक एट दैट बिजनेस। ओके, मैं अमित एक अंदाजा फिर आपसे अब ये भी लेना चाहूंगी कि करंट ऑर्डर बुक क्या है, बिकॉज रिसेंट पास में आपके हाथ में कई सारे ऑर्डर्स आए हैं। आई थिंक लास्ट जब हमने बात की थी आपने कहा था ऑर्डर्स का फनल करीब 2000 crore का है। जी, तो फनल उतना ही या उससे ज्यादा होते रह रहा है आज की तारीख में, लेकिन हाथ में ऑर्डर बुक इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर रेवेन्यूज हम लोग क्लॉक कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर बुक स्टेडी 600 crore का है, 600+ crore। और FY, या गो अहेड, एंड फनल को कन्वर्ट किया जा रहा है जबकि ये ऑर्डर बुक स्टेडी मेंटेन होता है। ओके, तो 2000 करोड़ से ज्यादा का वो फनल हो गया है और उससे ये ऐड होते जाएगा आपके ऑर्डर बुक में। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी FY24 के लिए आपका गाइडेंस इंटैक्ट रहेगा ग्रोथ का और मार्जिन्स का, या फिर जो आप देख रहे हैं जो फनल भी बड़ा हो रहा है उसे शायद आप बेहतर कर पाए इस गाइडेंस को? नहीं, गाइडेंस अभी फिलहाल उतना ही रहेगा जितना हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। स्लोली बढ़ेगा ये गाइडेंस, अभी FY24 में एक पर्टिकुलर गाइडेंस है, FY25 में आपको और ग्रोथ दिखाई देगी, तो वी वुड वांट टू गो इन अ वेरी सस्टेनेबल ग्रोथ मैनर रादर देन बिकमिंग अ स्पाइक। तो 30-40% की FY24 की ग्रोथ गाइडेंस थी, इससे बेहतर FY25 साबित हो सकता है? 30-40% ही रहेगी, लेकिन ऑन अ रेवेन्यू ऑफ FY24, सो वो एक अच्छा ग्रोथ पैटर्न हो सकता है।
मेरा आखिरी सवाल अमित, ये ऑप्टिक्स के बिजनेस में स्पेशली स्पेस में कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑप्टिक्स एक स्पेस है जहां पर बहुत कम लोग हैं, आप जैसे बहुत कम खिलाड़ी एटलीस्ट लिस्टेड स्पेस में जहां तक मैं जानती हूँ, कुछ स्टार्टअप्स होंगे जो स्पेस में काम कर रहे हैं लेकिन वहां पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल पर है, बताइए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रह सकती है? एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉट बीइंग बोस्टफुल, लेकिन वर्ल्ड वाइड स्पेस ऑप्टिक्स बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इवन डिफेंस ऑप्टिक्स बनाने वाली कंपनियां ही बहुत कम है, तो स्पेस ऑप्टिक्स तो एक अनदर डोमेन हो गया, एंड ये इतना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है तो बहुत कम कंपनियां वर्ल्ड वाइड आपको एक स्पेस ऑप्टिक्स बनाती हुई नजर आएंगी। ये जब भी मैं बोल रहा हूं, आप एक स्पेस टेक्नोलॉजी को अगर आप देखोगे तो उसमें तीन डायमेंशंस हैं, एक ग्राउंड टू स्पेस, सेकंड स्पेस टू ग्राउंड, एंड थर्ड स्पेस टू स्पेस। नाउ ये तीनों जगह पे आप समझिए कोई भी मिशन आप लेते हो तो उसमें आंख कितनी जरूरी होगी जी। मुझे ग्राउंड टू स्पेस अगर देखना है तो मुझे ऑप्टिक्स की कितनी जरूरत होगी, मुझे स्पेस से ग्राउंड देखना है तो मुझे ऑप्टिक्स की कितनी जरूरत होगी, एंड स्पेस टू स्पेस देखना है तो मुझे ऑप्टिक्स की कितनी जरूरत होगी। तो हर एक मिशन में ऑप्टिक्स एक बहुत वाइटल सिस्टम माना जाता है, जितना एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है उतना ही वाइटल ऑप्टिकल सिस्टम होता है, एंड ये जो हमारी पोजीशन है इसमें हम लोग और ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, हर 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 महीना एक कुछ बेहतर बना के दें स्पेस सेक्टर को, यही हमारी इच्छा है, एंड यही करते करते वी विल बी एबल टू ग्रैब आज की तारीख में वो मार्केट का वैल्यू हम लोग एस्टिमेट भी नहीं कर सकते इतना बड़ा है, लेकिन वो उसको ट्रांसलेट करके बिजनेस में कन्वर्ट करना, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इनफैक्ट डिफेंस ऑप्टिक्स पर हाल फिलहाल में मैंने कुछ पढ़ा भी था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है भारतीय कंपनियों को और इंडिजीनियसली कुछ बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया अमित महाजन हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी और ऑफकोर्स नए ऑर्डर्स का फनल जो है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा का है, कंपनी अब खास तौर से थर्मल के लिए और स्पेस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही, इसीलिए उन्होंने उस नई सब्सिडरी का गठन किया। स्टॉक आपकी बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।